नमस्ते सत श्री अकाल, दिस इज करण सिंह, दिस इज दर्शन सिंह एंड यू आर वॉचिंग द सोलो वॉन्डर। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं हूँ आज सिविक सेंटर चौपाटी में, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे दुकान लगाए गए हैं यहाँ पे। ये सब दुकान पिछले 10-15 साल, कोई 21 साल, बहुत पुराने पुराने टाइम से शॉप है। तो अभी हम वहीं जाने वाले, ट्राई करने के लिए। सो और एक्चुअली क्या है दोस्तों, कि मैं तो यहाँ पिछले बहुत साल से आ रहा हूँ, पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ फेमस रेस्टोरेंट क्या है, उनके फेमस खाने क्या है। और जो फेमस खाने मुझे यहाँ के पता है वो है एटम बॉम्ब और पाव भाजी, पनीर चिल्ली वगैरह यहाँ का बहुत फेमस है, और चिकन के एक आध दो आइटम हम आपको और दिखाने वाले हैं। तो चलिए फिर, वेट किसके कर, चलिए चलते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भैया अभी बना रहे हैं एटम बम, यहाँ का बहुत स्पेशल है, जो कि उसको ट्राई करके बताऊँगा आपको। तो मैं फिलहाल कैसा उसका टेस्ट, मैं अभी पहली बार सुन रहा हूँ एक्चुअली। एटम बम जो कि यहाँ का काशी चाट सेंटर का फेमस है, तो उसको ट्राई करने वाला हूँ। इसके अंदर फिर देख सकते हैं आप, पानी पूरी भी डाला गया है। इसकी स्पेशल बात यह है, ये जो बनाया गया है सेम एक पानी पूरी ही है, बट एक बहुत बड़ा पानी पूरी है जिसके अंदर फिर पानी पूरी डाला गया है, और खट्टा पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो इसका कॉम्बिनेशन लग रहा है बड़े पानी पूरी का, बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ है। सो गाइस, अ जाइंट पानी पूरी विदाउट पानी, बहुत औसम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुंह में फिट नहीं हो रहा है, ऐसा पानी पूरी है ये। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ये, क्योंकि ना तो ये बहुत चीप है, इसका प्राइस जो कि नॉर्मली रेंज करता है 30-40 कुछ इस टाइप, तो यहाँ पे अगर ट्राई कीजिए आपका पेट भर जाएगा उसका, तो डैम शोरूम है, तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए फिलहाल। और इधर गप गप खाते हुए हमारे दोस्त, गप कोई नहीं खाते हैं। गब गब नहीं खा।
पे पावाजी ऑर्डर कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं काशी चाट। पानी आ रहा है अभी सबसे, अब हम ट्राई करने वाले थे पाव भाजी, यहाँ की जो दूसरी स्पेशल चीज़ है। और लेट्स गो गाइस डंपिंग। सो गाइस फाइनली अब ट्राई करने जा रहे हैं। सो गाइस बहुत यम्मी है, बहुत बटर है, बटर से भरा हुआ है। और भाजी की तो बात मत करो, बहुत औसम लग रहा है। यहाँ बटर आप देख सकते हैं, बटर की कमी नहीं है, फुल ऑन बटर। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपका खाना, और थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बनाया आपने। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, चलिए दोस्तों फिर ट्राई करते हैं हम लोग का टंगरी कबाब, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है। और ये मिंट चटनी है जो कि इसका बेस्ट कॉम्बो है। और दो इट्स स्पाइसी, और बहुत अच्छा मैरिनेशन किया गया है इसको। ऑसम ब्रो,
चंगड़ी चिकन अभी ट्राई करने वाले अपन, तो देखने से तो बहुत यमी लग रहा है, चलिए ट्राई करते हैं। गाइस बहुत स्पाइसी और बहुत यमी है, इसका टेस्ट तो बहुत ऑसम है। और अब मैं इसको खाने के बाद बताऊंगा ये कैसा है। गाइस फुल दम का फ्लेवर आ रहा है और चटनी बहुत स्पाइसी है, तो अच्छा है, आइए ट्राई कीजिए। तंदूरी चिकन है, अभी गर्मा गर्म फ्रेशली निकाला गया है और बहुत ही ज़्यादा वेल कुक्ड है, देखने से तो बहुत ही ज़्यादा बॉलिश लग रहा है, तो खा के पता चलेगा। होते वाह ऑसम, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था दोस्तों, बिल्कुल वैसा। वो बात अलग कि मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आई मस्ट रिकमेंड गाइस यू टू कम हियर माय चॉइस फास्ट फूड ऑसम। आज की डेट में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, बटर स्कॉच ये सब खाते हैं, पर कोई बर्फ गुला की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। पर दोस्तों हम सबको पता है जो चुस्की में मज़ा है वो किसी में नहीं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो इसी को एंजॉय करते थे गर्मी में, और आज हम बड़े हो गए तो आज ठंडी में भी इंजॉय कर रहे हैं। लेमन का फ्लेवर फुल आ रहा है, लेमन आ रहा है।